हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता लग चुका होगा कि 19 साल पुराना यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर का रिकॉर्ड भारतीय मूल के अभिमन्यु मिश्रा ने तोड़ दिया। फ्रेंड्स, अभिमन्यु मिश्रा ने 12 साल 4 महीने और 25 दिन की उम्र में सर्गी क्रैकिन का रिकॉर्ड तोड़ा है और अभिमन्यु मिश्रा के ही नाम पर यंगेस्ट इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं उस गेम को जहां अभिमन्यु मिश्रा ने हंगरी में टूर्नामेंट हुआ था उसके 9th राउंड में, या टोटल नंबर ऑफ राउंड्स होने थे उस टूर्नामेंट में 10, लेकिन एक राउंड होने से पहले ही उन्होंने भारत के लियोन ल्यूक मेंडोनका को हराकर अपना थर्ड ग्रैंड मास्टर नाम अचीव किया था। तो चलिए शुरू करते हैं D4 के साथ। यहाँ ल्यूक ने शुरू किया Nf6, यहाँ अभिमन्यु मिश्रा ने शुरू किया C4 G6, Nc3 D5, Bf4, देन Bg7 E3, और इसके बाद कैसल यहाँ ब्लैक ने किया, देन हुआ C1, देन नाइट और C5, Dxc5, तो बिशप गया E6 स्क्वायर पर, Nf3, देन Nc6, Be2, देन Qa5 स्क्वायर पर, तो नाइट गया G5 स्क्वायर पर। यहाँ इस बिशप पर मैं कह सकता हूं कि प्रेशर है, तो नाइट गया E8 स्क्वायर पर, देन व्हाट अबाउट दिस Nxe6। अगर यहां से ये गेम आगे बढ़ती है तो होगा Nxe6 Cxd5, नाइट पर अगर दोबारा अटैक बनेगा अभी, देन Nxe4 हो जाएगा, Ixd4 Ixf4 होगा। देन वैसे तो यहाँ ब्लैक स्पॉन को नॉट एग्जैक्टली रुक के सामने आ जाता है, तो यहाँ क्या कर सकता है ब्लैक, नाइट को E4 स्क्वायर पर लेकर जा सकता है और कुछ प्रेशर बनाने की कोशिश कर सकता है फिलहाल यहाँ इस C3 स्क्वायर पर। खैर देखते हैं, गेम में यहाँ हुआ था Bg3, देन Dxc4, Nxe6, Nxe6, देन Qa4 स्क्वायर पर। कनेक्शंस ऑफर, लेकिन कोई जरूरत नहीं है कनेक्शंस करने की। यहाँ ब्लैक ने किया Qxc5, Bxc4, देन व्हाट अबाउट दिस Nh5, माइट बी ऑप्शन थी यहाँ, लेकिन यहाँ हुआ Qb6 और किसी भी तरह का पॉन स्ट्रक्चर खराब ना होने की कोशिश की, तो व्हाइट ने भी यहाँ अपनी क्वीन को B3 स्क्वायर पर रखा। मेरे ख्याल से व्हाइट के लिए सही समय था कैसल करने का। Qxb3, Bxb3, देन नाइट गया C5 स्क्वायर पर, उसी बिशप पर अटैक बना, तो किंग यहाँ E2 स्क्वायर पर व्हाइट ने लिया और यहाँ पर दोनों रुक्स को ल्यूक ने कनेक्ट किया। Nxb3, Axb3, रुक एट एफ गोज टू D8, देन रुक एच एच गोज टू D1, Ne8 स्क्वायर पर, रुक टेक्स D8, रुक टेक्स D8, रुक D1, अगेन रुक एक्सचेंज ऑफर जिसे यहां एक्सेप्ट किया, ब्लैक ने करना भी पड़ेगा, रुक टेक्स D1, किंग टेक्स D1, देन Nf6, माइनर पीस एंड गेम यहां स्टार्ट हो चुकी है। किंग गया C2 स्क्वायर पर, देन नाइट D5 B4, तो नाइट गया F5 स्क्वायर पर, F5, नाइट B5, देन A6, नाइट पर अटैक, नाइट के लिए C7 स्क्वायर है, किंग गया F7 स्क्वायर पर, देन हुआ B5, A5 कोई जरूरत नहीं है पॉन एक्सचेंज करने की, देन हुआ नाइट D5, तो नाइट C5, देन बिशप C7 स्क्वायर पर, यहाँ इस A5 पॉन पर अटैक है, तो यहाँ ब्लैक ने किया A4, देन हुआ F3, किंग E6, नाइट पर अटैक, नाइट गया C3 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स C3, किंग टेक्स C3, और बिशप वर्सेस नाइट एंड गेम बहुत इजी नहीं होता हैंडल करना। किंग गया D5 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D8, यहाँ E7 पॉन पर अटैक है लेकिन E5 ऑब्वियस मूव है, आना ही है, देन बिशप गया E7 स्क्वायर पर और यहाँ इस नाइट पर अटैक है, और अगर यहाँ मेटेरियल एक्सचेंज हो जाता है तो आई थिंक गेम का इक्विलिब्रियम माइट बी टुवर्ड्स ब्लैक शिफ्ट होना शुरू हो जाए, या फिर ब्लैक यहाँ अपने इसी पॉन को भी आगे पुश कर सकता है। एफ टेक सी फोर चेक होता तो नाइट टेक सी फोर चेक हो जाता, किंग B4, वेल यहाँ नाइट को D3 स्क्वायर पर पहले अभिमन्यु मिश्रा ने लिया, देन हुआ H3 E4, एफ टेक सी फोर चेक, एफ टेक सी फोर, देन किंग B4 स्क्वायर पर, और यहाँ इस पॉन को लेने का पूरा चांसेस है व्हाइट के पास, नाइट गया D2 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप F6, बिशप के F6 स्क्वायर पर जाने के बाद H5, किंग टेक्स A4, देन किंग गया C4 स्क्वायर पर, किंग A5, नाइट B3 चेक, किंग B6 स्क्वायर पर, तो नाइट गया C5 स्क्वायर पर, बिशप B4, नाइट पर अटैक, नाइट वापस गया यहाँ B3 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप F6, टू फोल्ड रेपिटेशन में कह सकता हूँ यहाँ इस मूव के, किंग B4, लेकिन अब यहाँ अभिमन्यु ने किया, किंग टेक्स B7, किंग टेक्स B5, और यहाँ व्हाइट के पास एक तो मैं कहूंगा वीक पासर है, लेकिन ब्लैक के पास तो कोई पासर ही नहीं है। किंग C7, देन किंग C4, किंग D6, किंग D3, E3 पॉन पर अटैक है, तो ऑब्वियस है बिशप G5, बिशप 6 का डिफेंस होना ही है,
नाइट या d2 स्क्वायर पर और आगे क्या तैयारी है, माइट बी इस नाइट को रीशफल करके यहाँ पॉन पर अटैक करके, किंग गया e5 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट f3 चेक। फ्रेंड्स ये मूव ब्रिलियंट है, अभिमन्यु मिश्रा ने कमाल का यहाँ पर ये मूव ढूंढ कर निकाला है। ऑब्वियस है नाइट सेक्रीफाइस जानबूझकर आया है और काफी शार्प प्रिसाइज कैलकुलेशंस के बाद आया, तो किंग को मूव कर लेना चाहिए था, लेकिन अगर किंग मूव होता है तो भी खैर उसके बाद ल्यूक के पास चांसेस थे इस गेम को ड्रॉ करने के। अगर यहाँ से मान लें इस गेम को आगे बढ़ाएं तो नाइट एक्स जी फाइव ऑब्वियस मूव है, ब्लैक करेगा ही करेगा, किंग टेक्स जी फाइव होने के बाद किंग टेक्स सी थ्री होगा और एक पासर अब यहाँ ब्लैक को भी मिल चुका होगा, लेकिन ब्लैक के पास इस पासर को रोकने का कोई तरीका नहीं होगा। b4 प्रमोट होगा, किंग f2 स्क्वायर पर b5 e3 b6 e2 b7 दोनों की क्वींस एक साथ प्रमोट होंगी और गेम को काफी हद तक हम ड्रॉ ही कहेंगे। खैर यहाँ हुआ था g takes f3, ये शायद नहीं करना चाहिए था, क्लियरली क्वेश्चनेबल मूव है। देन हुआ e takes f3, और अब क्या किया जाए, किंग को मूव किया जाए और पॉन्स को लेने की कोशिश की जाए, नो यूज, बिशप h4, लेकिन यहाँ पहले व्हाइट ने किया। देन हुआ g5, बिशप को डिफ्रैक्ट करवाने की कोशिश, और बिशप के लिए सिर्फ और सिर्फ ये g3 स्क्वायर ही सही था, और अगर यहां से ये गेम आगे बढ़ती है तो व्हाइट का कम से कम एक पॉन जाने ही वाला है, और उसके बाद शायद इस एफ पॉन को आगे पुश करके बिशप को एलिमिनेट करने की कोशिश की जा सकती थी, लेकिन तब तक यहाँ व्हाइट अपने इस बी पॉन को आगे पुश करके क्वीन को प्रमोट करने की कोशिश कर सकता था। फिर यहाँ हुआ था bf2, शायद ठीक मूव नहीं है, किंग e2 स्क्वायर पर बिशप पर अटैक बना, बिशप अगर g1 स्क्वायर पर लेकर भी जाया जाए तो भी क्या होगा फ्रेंड्स, काफी शार्प कैलकुलेशन करनी होगी यहाँ भी। किंग f1 स्क्वायर पर जाएगा, देन किंग e4, किंग टेक्स g1, किंग टेक्स f3, किंग h2, देन b4, किंग टेक्स h3, b5, g4 विद ए चेक, किंग अगर मूव हो जाएगा तो किसका पॉन पहले प्रमोट होगा, जिसका भी हो गेम को मैं यहाँ से इक्वल ही मानूंगा यहाँ भी। खैर यहाँ हुआ था b4 टेक माई बिशप, किंग टेक्स f2, b5, किंग टेक्स e3, b6, f2, b7, फ्रेंड्स कैलकुलेशन यहाँ बिल्कुल सही थी ल्यूक की, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसे शायद ल्यूक यहाँ ओवरलुक कर गए, उन्होंने आपने इस किंग की पोजीशन को कंप्लीटली ओवरलुक कर लिया। और यहाँ जैसे ही f1 इक्वल्स क्वीन, अभिमन्यु ने अपनी क्वीन प्रमोट की तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और ल्यूक ने यहाँ रिजाइन कर दिया कि फ्रेंड्स यहाँ से अब व्हाइट करेगा क्या, अगर वो मान लो अपने पॉन को भी प्रमोटिंग स्क्वायर तक पहुंचा दे तो अगले मूव में ये क्वीन एलिमिनेट हो ही जाएगी। फ्रेंड्स मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू अभिमन्यु मिश्रा, मैं सोच रहा था कि शायद वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते होंगे लेकिन वे यूनाइटेड स्टेट्स की चेस फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। खैर जो भी है फ्रेंड्स, भारतीय मूल के हैं और यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम दर्ज किया है। तो जो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।